लोग का मूड कैसा है? ठीक है, बहुत अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा अच्छा। बहुत अच्छा। और साहब ने बहुत अच्छा चीज बताया आप लोग को, लेकिन मैं एक चीज पूछना बताना चाहता हूँ कि कार्य क्षेत्र में हमारे जो काम करते हैं तो सुरक्षा क्यों जरूरी है, कोई आप बता सकते हैं? सुरक्षा क्यों जरूरी है? हम लोग तो काम कर रहे हैं, डेली सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं और सुरक्षा के बारे में बोलने की जरूरी है, लेकिन वो जरूरी क्यों है, कोई बता सकता है? कोई नहीं बोल रहा है, मतलब क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं आपको बताना, तीन कारण बताता हूं जो हम लोग को पढ़ाया गया, तो मैं आपको चीज को बताना चाहता हूं। एक होता मोरल, मोरल का मतलब कहता है नैतिकता, या आप बोल सकते हैं कार्य में जो आप काम कर रहे हैं, जो साथी आपके साथ काम कर रहा है उसको एक भाव हो जाता है, मतलब अपना विचार उसके विचार दोनों मेल खाता है ना, और उसको चोट लगता है तो दर्द तो उसको होता है लेकिन तकलीफ ही हमको होता है, होता है कि नहीं होता है? ये होता है मोरल, मतलब उसको तकलीफ होता है, हमारे साथ कोई काम कर रहा है उसको थोड़ा सा भी खरोच आता है तो हमको तकलीफ होता है, दर्द तो उसको होता है लेकिन तकलीफ हम लोग को भी होता है ना, होता है कि नहीं होता है? इसमें मैं गलत बोल रहा हूं? नहीं। दूसरा आता है लीगल, लीगल में मतलब कानूनी कार्रवाई। हम जिस जगह पे प्लांट खड़ा कर रहे हैं वो एक स्टेट होता है, स्टेट मतलब एक राज्य होता है, राज्य क्या होता है, देश के अंदर आता है, कुछ कानूनी कार्रवाई होती है। अगर आप नेग्लिजेंस से पाया जाता है, पहले क्या होता है एक्सीडेंट हो जाता है तो छुपा दिया जाता है, लेकिन अभी वो छुपाना बहुत मुश्किल है, एक्सीडेंट होता है वो लीगल कार्रवाई होता है, जो जो आदमी उसमें इन्वॉल्व होते हैं उनको जेल भोगना पड़ता है, जेल भी हो सकता है या कुछ पनिशमेंट जरूर होता है ना, तो ये लीगल कार्रवाई होती है। दो चीज बताए, एक मोरल एक लीगल। तीसरा आता है हमारा फाइनेंशियल। हम आपको जितने भी टूल्स एंड टैकल्स देते हैं या आपको जितना आपका निजी सुरक्षा उपकरण देते हैं सब पैसे खर्चा होता है उसमें, होता है नहीं होता है? लेकिन अगर एक एक्सीडेंट होता है उस खर्चे से वो 10 गुना ज्यादा होता है, 10 गुना ज्यादा होता है जो हम खर्चा करते हैं आपके पीछे, उससे 10 गुना ज्यादा वो खर्चा होता है जब कोई एक्सीडेंट होता है। एक तो काम का प्रोग्रेस ठप हो जाता है, देश का प्रगति में दिक्कत आता है। तीसरा क्या होता है, मोरल, हमारा जो मोरल जो आदमी को काम करने का होता है ना वो डाउन हो जाता है, आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस खत्म काम करने का, जो काम करने वाले अरे क्या होगा मेरे साथ, क्या हो सकता है क्या, जब कर मेरे साथी के साथ जो हुआ मेरे साथ हो सकता है क्या, वो डर रहता है। फिर हम लोग क्या होता है धीरे धीरे भूलने लगते हैं और फिर काम करने लगते हैं, लेकिन वही चीज अगर हम काम करने जा रहे हैं, जैसे साहब ने बताया तीन चीज को याद रखना, हम क्या काम करने जा रहे हैं और हमारे काम में क्या खतरा है और उस खतरे को भगाना है, अगर ये तीन चीज हम सीख लेंगे, तीन मंत्र को याद कर लें, तो कभी भी हमारे साथ हादसा कभी भी नहीं हो सकता, अपघात वाली जो मृत्यु होती है कभी भी हमारे साथ छू भी नहीं सकता या टच नहीं कर सकता या हमको कभी चपेट में नहीं ले सकता। तो ये चीज को आप लोग ध्यान दें और सुरक्षित तरीके से काम करें, और जहां पे भी काम करने जा रहे हैं उस चीज जगह को अच्छे तरह से निरीक्षण करें कि क्या क्या खतरा है और उस खतरे को कैसे भगाया जा सकता है। ये जिम्मेदारी आप सबकी है, क्योंकि सुरक्षा आज से स्टार्ट होता है, ठीक है? तो चीज को आप लोग ध्यान दें और सुरक्षित तरीके से काम करें। धन्यवाद। और सॉरी एक चीज बोलना चाहता हूँ, आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल, देखिए आप अगर ज्यादा बोलेंगे तो हमको आप मोबाइल और फोन आपको जब्त करना पड़ेगा, ठीक है? तो मोबाइल फोन का इस्तेमाल आप बिल्कुल ना करें। अगर आपको उपयोग करना है तो आप रजिस्टर्ड में आ जाए या स्टोर में आके बात करें, साइड पे खड़े होके बात ना करें। काम के दौरान कल एक भाई साहब ने देखा गया, एक ऑपरेटर एक विंच ऑपरेटिंग कर रहा है, दूसरा आदमी उनके पास में खड़े होकर मोबाइल देख रहे हैं, क्योंकि वहां ध्यान भटकता है, वो चीज नहीं करने का। एक भाई साहब मोबाइल फोन में बात करते करते बॉयलर के ऊपर जा रहे हैं, एक भाई साहब दूसरे जगह से बेल्ट एंकरिंग किए हैं फोन लगा के बिंच में चल रहे हैं, ये बहुत गलत तरीका है।
हादसा कभी भी बोल के नहीं आता है, कभी भी हो सकता है आपके साथ अगर आपका ध्यान नहीं रहेगा। और एक चीज देखा गया, सिलेंडर को आप लात मार के शिफ्ट करते हैं, ये बहुत गलत है। आपके पास ट्रॉली दिया गया है, ट्रॉली का इस्तेमाल करें, सिलेंडर को खींच के रस्सी में बांध के खींचना या लात मार के लेके जाना नहीं है, ठीक है। ये चीज को आप लोग ध्यान दीजिए और सुरक्षित तरीके से काम करिए। धन्यवाद। जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा।